Yes, limit x approaches to pi by 4. 1 minus 10x. Divided by x minus pi by 4. Okay, please do it. Limit x approaches to pi by 4, 1 minus 10x by x minus pi by 4. Kariye. Bolo bhai kaise kare? Sir, isme tan ka formula laga ke kar sakta hai na? Tan ka kaun sa formula lagega? सर मतलब x plus h वाला है। पहले तो लिमिट h approaches to zero क्रिएट करो फिर फॉर्मूला लगाओ yes x is pi by 4 plus h we will write and as x is going towards pi by 2 that means limit h approaches to zero okay यहाँ आएगा 1 minus 10 x की जगह क्या आ जाएगा pi by 4 plus h And this is pi by 4 plus h minus of pi by 4. Then we'll write limit h approaches to 0. 1 minus. Ye 10 a plus b ka formula ban raha hai. So we write this as 10 pi by 4 plus of 10 h. 1 minus 10 pi by 4 10 of h. और नीचे हमारा आ जाएगा सीधा सीधा h yes is it clear or no 10 pi by 4 is 1 only so you should have limit h approaches to 0 1 minus ये हो गया 1 plus 10 of h divided by 1 minus 10 of Sir, h answer minus 2 whole divided by h. Yes, is it clear? Now I go for LCM. Yes, sir. Limit h goes towards 0. 1 minus 10 of h minus 1 plus 10 of h. Denominator is 1 minus 10 of h into h. Kya kya kat raha hai upar dekho? सर वन कट जाएगा और माइनस वन से वन कट गया देन व्हाट आई गेट हियर इन दिस केस माइनस टू टेन ऑफ एच बाय एच यहाँ ले लेते हैं और ये वन माइनस टेन ऑफ एच सो तो माइनस टू हो जाएगा और जीरो ये आपका क्लियरली वन हो रहा है टेन जीरो इज जीरो तो ये वन हो जाएगा So your answer is minus 2 into 1. Your answer is coming minus 2. Next question, write down, please. Limit x approaches to a. Limit x approaches to a. A sin x minus x sin of A whole divided by AX square minus XA square. Please proceed. सर यहाँ पे से स्टार्ट करेंगे कि जो ए है उसे एक्स कर देंगे पहले फिर
x कॉमन लेते हैं साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला। बोलो भाई कैसे करें सर? वो x है उसमें a कर एक कर देते हैं सर। अगर x अप्रोचेस बोलो बोलो सर, a प्लस h अप्रोच करेगा सर, वो a प्लस h से अप्रोच करेगा सर, जो x जीरो करके ना माइनस x साइन है। हाँ ये वाला, इसको ये कैसे कर दूं सर? क्योंकि x अप्रोचेस टू, तो वो तो सबके लिए करना पड़ेगा फिर, ऐसा थोड़ी आधे पे करूंगा और आधे पे नहीं करूंगा, ये तो नहीं चल सकता। शुड स्टार्ट विद x इज a प्लस h, we will write this as limit h approaches to zero, a sine a plus h minus a plus h sine of a whole divided by a times a plus h ka whole square minus a plus h into a square. What I write here, a, ये आ गया sin of a cos of h plus cos of a sin of h minus a sin a minus h sin a. And here what is common? ए पूरे पे कॉमन निकाल सकते हैं, पहले कॉमन ए प्लस एच, ए इनटू ए प्लस एच, ए कॉमन निकाल दिया तो ए प्लस एच होल स्क्वायर रह गया, तो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू ए एच हो गया। सर ए प्लस एच भी कॉमन निकाल सकते थे ना अपन? हाँ निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते। चलिए अब सॉल्व कर दिया तो कोई बात नहीं, ए कॉमन यहां से गया तो अब क्या रह गया, माइनस ऑफ ए स्क्वायर रह गया और माइनस एच स्क्वायर, सॉरी माइनस ए एच, माइनस ए एच सॉरी, ये रह गया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ए के एच से ए एच कट गया, ए से भी तो कट गया सर। कहाँ कट गया? ए पूरे पे कॉमन नहीं है, हमें कॉमन नहीं है। ठीक है भाई? यस सर। अब वो टर्म्स कॉमन लो जिसमें से ए कॉमन आ रहा है, ये पूरा ए कॉमन आ गया इसमें, इसमें और इसमें, है ना? तो क्या बचेगा? ए कॉमन आ गया तो साइन ए कॉस ऑफ एच प्लस कॉस ए साइन ऑफ एच माइनस ऑफ साइन ए एंड देन माइनस एच साइन ऑफ ए। नीचे कॉमन क्या लिया? एच। हाँ सर एच आ जाएगा, ए एच, एच प्लस ए, एच कॉमन लिया, एच प्लस क्या बचा? ए सर, वही तो बचा। इज इट राइट? कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, चेक कर लो। यस सर, एच प्लस ए बचेगा। आप इसके दो पार्ट बना लो, दिस बाय दिस करेंगे तो यहां ए से ए कट जाएगा, राइट? क्या रहेगा अब यहां पे? साइन ए कॉस ऑफ एच प्लस कॉस ए साइन ऑफ एच माइनस साइन ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय, क्या बचा भाई? ए से ए कट चुका है, एच, एच इंटू एच प्लस ए। और यहां क्या रहा सर? वो ऊपर वाला भी तो माइनस एच सर। क्या कह रहे क्या बोल रहे हो? अरे सर मैं बता रहा हूँ, मतलब आपने अलग कर दिया, मेरे को पता नहीं था मतलब दोनों। और नीचे आया h प्लस a, राइट? यहाँ ये आपका h कट गया। हाँ भाई यहाँ तक ठीक है? एक h और बचा हुआ है अभी सर, कम
ये एच बच गया ना, ठीक है चलो देखते हैं. दीज टू विल गिव साइन ए कॉमन. यस सर. यस मैम. डबल कॉस ऑफ एच माइनस वन प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ एच. इसके नीचे भी अलग कर देते हैं एच इंटू एच प्लस ए और यहां भी एच इंटू एच प्लस ए. राइट. यस सर. यहाँ आइडेंटिटी लगा दी क्या फर्स्ट वाले के अंदर cos h माइनस वन मतलब वन माइनस cos. कोई लगानी पड़ेगी और तो कुछ दिख नहीं रहा है. माइनस टू साइन स्क्वायर एच. अब पहली वाली पे प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी. लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ ए और इसको आप लिखेंगे टू सर माइनस माइनस के साथ तो माइनस ये रहा टू साइन स्क्वायर एच बाई टू होल डिवाइडेड बाय एच इन टू एच प्लस ए. ठीक. देन कम आउट टू बी प्लस. इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट नजर आ रहा है कॉस ए साइन एच बाई एच एच प्लस ए. तीसरे वाले में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. साइन ऑफ ए बाय ए एच प्लस ए. सर तो वन बाय एच प्लस ए बच जाएगा. अब पहला वाला रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बाकी तो कोई दिक्कत हमारे को नहीं करेगा. यहां पर एच ये रहा और एक एच हमें खुद क्रिएट करना पड़ेगा. टू साइन ए तो ये है ही साइन ऑफ एच बाई टू साइन ऑफ एच बाई टू. एक एच यहां आ जाएगा एच प्लस ए को मैंने यहां छोड़ दिया है राइट. इसके नीचे टू करना पड़ेगा इंटू टू करेंगे बस. और ये आपका नहीं एच बाई वन. अब देखो क्या क्या बनता है. ये वाला रिजल्ट मेरा वन बनता है. साइन एच ये जीरो कर देगा फिर तो पूरे को ही जीरो कर. ये टू से टू कटेगा पूरे जीरो हो जाएगा. माइनस यहां बचेगा साइन ऑफ ए सर. ये वाला पार्ट हो गया वन. ये वाला पार्ट सर ये पूरे जीरो हो जाएगा ना. ये रह गया ए. हाँ भाई कर रहा हूं तसल्ली रखो. साइन ए आपका कुछ भी नहीं होगा एज इट इज रहेगा. एच प्लस ए आपका ए रह जाएगा. साइन एच बाई टू आपका वन हो चुका है और साइन एच बाई टू जीरो हो गया. तो ये पहले वाला पार्ट जीरो हो गया. इसमें ये पार्ट वन हो गया. ऊपर क्या रह गया कॉस ए बाय ए और इसमें क्या बनेगा माइनस साइन ए बाय ए स्क्वायर हो जाएगा सर. वन बाय कौन सा वन ये मत लगा देना कि साइन ए बाई ए जीरो वन हो गया क्योंकि लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो है. ए के लिए जीरो नहीं है तो साइन ए को छेड़ना नहीं है ए को छेड़ना नहीं है. यहां पर एच को जीरो डालेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा. तो ये आपका आंसर कॉस ए बाई ए माइनस साइन ए बाई ए स्क्वायर. ये आपका आंसर आएगा. ये सर. हाँ तो यही होगा और कहां जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय एट. कॉस फोर कॉट फोर एक्स माइनस कॉस फोर एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एट एक्स होल क्यूब. करिए
वन बाय सिक्सटीन है ना इसका आंसर. Now we have to start this question. Sir, पहले तो h वही pi by 8 plus h करना पड़ेगा. Sir, h one. Yes, sir. X is pi by 8 plus h, so it will come limit h goes towards zero. Cot 4 times pi by 8 plus of h. Minus cos 4 times pi by 8 plus h divided by pi minus 8 times pi by 8 plus of h whole cube. Sir, 4 multiply kar denge. So pi by 2 plus h. Ye kya ban gaya bhai? Cot. Pi by 2 plus 4h ho gaya. 4h, yes sir. हो गया minus cos pi by 2 plus of 4h divided by pi से pi कटेगा, ये रह गया आपका minus 8h, तो minus 8 into h cube. सर वो minus tan 4h हो जाएगा. Cot 90 plus theta minus tan theta minus tan 4h. ये तो minus plus sin 4h. वो प्लस साइन फोर और ये प्लस आ गया. सर मैंने गलती कर दी थी, सर वो नीचे क्यूब की जगह स्क्वायर रख रखा था. और ये आ गया माइनस एट क्यूब इनटू एच क्यूब, लिमिट एच गोज टुवर्ड्स जीरो. हाँ जी, अब क्या करें? सर टैन को साइन फोर एच बाय, यस टैन को सर साइन कन्वर्ट करेंगे, साइन फोर एच बाय कॉस फोर एच plus sine of 4h whole divided by minus 8 cube into h cube. Sine 4h आप common ले लो, 1 plus और cos 4h को हम LCM डाल देंगे, 1 plus cos 4h, 1 minus क्या बनेगा भाई? Minus 1 sorry sir 4h cos 4h. हाँ sir. माइनस ऑफ 8 क्यूब एच क्यूब. देन आई विल राइट साइन बाय कॉस. ये आपका 10 हो गया. सर टैन मत करो, आइडेंटिटी लग रही है तो लोग. क्यों, क्या जरूरत है? ये आइडेंटिटी इसके नीचे एच के लेंगे जो लग जाएगी. और ये माइनस कॉमन निकाल रहा हूं मैं यहां से, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस 4h divided by 2 theta log minus into h cube. Then I'll write this minus, ye to cancel karo, ye reh gaya aapke paas 10 of 4h into 2 sin square. Kya banega? 2h. Aur niche aapka 1h iske niche rakh lo aur h square yahan rakh lo aur 8 cube hai aapke paas. 4 multiply. Yeah, 4 multiply. 4 multiply. So limit 2 h goes towards 0. 4 yahan par bhi 4. H by 4h. 4 bahar le liya. Ye 2 aapke paas hai. Isko bhi bahar kar deta hoon main. Reh gaya sine of 4 h by h. Sine of 2h by h. Ye bhi 2. Ye bhi 2. 4. Ye 4. 4 bar. 8 cube. 16 by ये 1, ये 1, ये 1 और 8 वहां से कट जाएगा. 8 स्क्वायर रह गया, यहां से ये 8 कट दिया. अब आपके पास ये हुआ 8 8 जा 16 पर जाएगा 64 4 और फिर सर वो 16 आ जाएगा ना. 4 by 64 योर आंसर इज 1 by 16. Next question, please. Limit x approaches to a. Sir, 14th वाला करा दो. वही करा. वो down. Limit x approaches to a. Cos x minus cos of a by root x minus root a. Please do it.
इट्स बेटर फर्स्ट यू रैशलाइज इट, इसको रैशलाइज कर लो ए प्लस एच लिखने से पहले, थोड़ा आसान हो जाएगा. सर ऐसा हर बार करना है कि मतलब अगर सर स्क्वायर रूट में आए तो सर रैशनलाइज करना है? रूट तो हटाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम होगा कैसे. I will write this as limit x approaches to a. Cos x minus cos a. चाहो तो इस पे भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप. 2 minus 2 minus 2 sin x plus a by 2 sin x minus a by 2. नीचे आ गया आपका x minus a. इसे वाले टर्म जा सकते हैं. ठीक है भाई, x माइनस a, इसको आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो. चलो अपन तो लिमिट डालते हैं, x इज a प्लस h करते हैं. h अप्रोचेस टू जीरो, माइनस टू साइन h की जगह आ जाएगा x की जगह, a प्लस h प्लस a बाय टू साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस ए बाई टू अंडर रूट ए प्लस एच प्लस रूट ए और नीचे आएगा ए प्लस एच माइनस ऑफ ए. दिस कैंसिल आउट, दिस कैंसिल आउट. यू विल राइट दिस एज लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस टू साइन ए प्लस एच टू ए प्लस एच बाई टू. ये बन गया हमारे पास साइन एच बाई टू, साइन एच बाई टू. ये रूट ऑफ ए प्लस एच प्लस रूट ए और इसके नीचे मेरे पास एच है सो बाई टू इंटू टू क्रिएट कर लो. अब यहां तक ठीक है. अब आप लिमिट डालेंगे तो ये पार्ट आपका वन हो रहा है, बाकी पे लिमिट डल जाएगी सीधी सीधी. ये टू से टू काट दो, माइनस साइन ऑफ टू ए प्लस एच बाई टू, सो इट इज साइन ए. यस, ये क्या बन गया, रूट ए प्लस रूट ए, टू रूट root a, two root a. So I got it minus two root a into sine of a. Yes. So sine, अच्छा. Next question लिखो. Limit x approaches to pi by two. रूट ऑफ टू माइनस साइन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर करिए. सर पहले रैशनलाइज कर लो, क्या कर लो, रैशनलाइज कर लो पहले. Plus one. Okay.
प्लस वन. देन व्हाट न्यूमरेटर इज, ये आ गया आपके पास टू माइनस साइन एक्स माइनस वन. नीचे हो गया टू माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ टू माइनस साइन एक्स प्लस वन. ये वन माइनस साइन एक्स रह जाएगा. नाउ वी विल टेक सर पाई वाली डाल दो, पाई प्लस एच पाई बाय टू प्लस एच होल. So it will come 1 minus sine of pi by 2 plus of h whole divided by plus 1. So the cos h. What numerator is? 1 minus cos h. 1 plus cos h. Cos of h. Yeah, reh gaya h square. Aur ye ban gaya root of 2 minus 2 cos h. Minus cos h. Plus 1. Plus 1. सर वन माइनस कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी आ गया टू साइन स्क्वायर एच बाय टू और यहाँ एच स्क्वायर है ही और ये रिजल्ट आपका आ गया रूट ऑफ टू माइनस कॉस ऑफ एच प्लस वन. सो व्हाट इट विल कम टू sine of h by 2 into sine of h by 2. Here it is h, here divided by h by 2 by 2 into 2. ठीक है भाई, ये पार्ट वन सर, ये क्या बन गया सर, 2 2 2 2 4 वाला. तो ये वन रह गया, वन प्लस वन टू हो गया. Yes. ये टू और ये टू कट गया, आंसर कम आउट टू बी 1/4. ओके, व्हाट वी वर डूइंग लास्ट क्वेश्चन क्या था वो बताओ जरा. यस, वो ए साइन पावर एक्स, ए साइन पावर एक्स माइनस वन limit x tends to 0 a sin a power sin x minus 1 divided by sin x. ये था सर, कर लिया था. please do it. limit x approaches to 1 a power x minus 1 minus 1 by sine of pi x. please do it. X is coming 1 plus h. Limit h approaches to 0. A power 1 plus h minus 1 minus 1 divided by sine of pi times 1 plus h. Which you should write, limit h approaches to 0. A power क्या बन गया भाई, h minus 1. यहाँ आ गया आपके पास sin of pi plus pi h. What is sin pi plus pi theta? Minus
साइन पाई एच हो जाएगा, माइनस साइन पाई एच, राइट। क्या गया ये a पावर h माइनस वन बाय एच, और यहां आ गया माइनस साइन ऑफ पाई एच बाय क्या आएगा, पाई एच आएगा, पाई एच आएगा, तो यहां पाई करना पड़ेगा क्योंकि h तो यहां से कट रहा है, राइट और नो? यस। ये रिजल्ट क्या देता है आपको बताएगा कोई, a log a और ये आपका वन वन, तो ये रिजल्ट हो गया माइनस, ऊपर आएगा लॉग ऑफ ए और नीचे आएगा माइनस ऑफ पाई, सॉरी माइनस हम ऊपर लगा चुके हैं तो आंसर आ गया माइनस लॉग ए बाय पाई। टेन पावर एक्स माइनस टू पावर एक्स माइनस फाइव पावर एक्स बाय एक्स टेन एक्स, सर इसमें टेन को फाइव एंड टू टू करेंगे, बोलो भाई कैसे करें, देखो भाई इसमें जो 10 है इसको आप 2 इंटू 5 लिख सकते हैं और ये बन गया 2 पावर x इंटू 5 पावर x एंड वी विल टेक 2 पावर x कॉमन, व्हाट इट विल कम, 5 पावर x माइनस 1, माइनस यहां कॉमन लिया 5 पावर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x tan ऑफ x, which you will write limit x approaches to 0, 2 power x minus 1 into 5 power x minus 1 divided by x, यहां चाहिए आपको, तो यहां लिख लिया, tan x को हम यहां create कर रहे हैं, तो इसके नीचे भी मुझे x से ही होता है, तो x यहां किया और x ये किया, log, ये मेरा formula बनता है log 2, log 2, log 5, ये बनता है log 5 और 1 और ये मेरा 1 आ रहा है, सो आंसर इज log 2 into log 5, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3 पावर x प्लस 3 पावर माइनस x माइनस 2 divided by x square, please proceed. Sir, इसके अंदर 1 by 3 power x लेते हैं, फिर एक identity बन जाएगी. करो. 3 power minus x को आप 1 by 3 power x लिखिए. Sir. हाँ जी. सर ऐसे नहीं कर सकते क्या, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, बीच में प्लस साइन है, अच्छा 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 सर एक्स स्क्वायर, वी विल टेक एलसीएम एज 3 पावर एक्स, तो ये बन गया 3 पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स 3 पावर एक्स, 3 पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, विच यू शुड राइट एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर वाला अब आपका क्या बन गया 3 पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आपका आ रहा है 3 पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, which you can write limit x approaches to 0, 3 power x minus 1, 3 power x minus 1, x divided by x, ye bhi x, or 1 by 3 power x. This is log 3, this is log 3, aur ye 3 power 0, 1 ho gaya.